हैं जी, ये अधिकार क्या चीज है जिसके लिए जोर जोर से नारे लगाकर जुलूस निकाला जा रहा है? अधिकार ये एक भयंकर बीमारी है जो पश्चिम से चलकर पूरब तक पहुंच गई। बीमारी? हाँ, ये ऐसी बीमारी है जिसमें खुदगर्जी का बुखार 104, 105 डिग्री तक पहुंच जाता है और इंसान को अपने आप के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। उसका पागलपन इतना बढ़ जाता है कि कभी कभी अपनी गर्ज के लिए दूसरे का खून तक कर देता है। फिर तो ये बहुत बुरी बीमारी है। बुरी? इतनी बुरी कि इसका साया जिस पर भी पड़ जाए वो भी बीमार हो जाता है। इसीलिए ये बीमारी हर मुल्क, हर शहर और हर घर में फैल गई। तो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है? है तो नहीं, अगर हर इंसान अधिकार के बजाय फर्ज के नारे लगाए तो ये बीमारी नजदीक भी नहीं आ सकती। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, मालिक नौकर अगर अपने अपने फर्ज अदा करते रहें तो अधिकार मांगने की किसी को जरूरत ही नहीं। तुम अपने ही घर की मिसाल ले लो ना, कि तुम अपने आप को भूलकर हर वक्त मेरी और अपने बच्चों की खुशी का ध्यान रखती हो और मैं और तुम्हारे बच्चे हर वक्त तुम्हारी खुशी का ख्याल रखते हैं। इस फर्ज की थाली में सबको अपना अपना अधिकार बिना मांगे ही मिल जाता है। राधा की माँ, भगवती की दया है कि ये अधिकार की बीमारी हमारे घर तक नहीं पहुँची। माँ, भैया आ गए हैं। भैया, तुम मुझे हर साल राखी का शगुन पैसे से ही क्यों देते हो? क्या तुम्हारा आशीर्वाद ही काफी नहीं? मेरा आशीर्वाद तो तेरी अमानत है भैया। जानकी, ऐसे भाई बहन मिलेंगे इस कलयुग में? भगवान इन्हें सदा सुखी रखे। पिताजी, आप मैं स्टोर जाऊं? क्यों जी, क्या ख्याल? जाऊं माँ। जाओ बेटा, सदा सुखी रहो। भगवान ने हमें ऐसी आज्ञाकारी संतान दी। बस बस, ज्यादा तारीफ न कीजिए, कभी कभी बच्चों को माँ बाप की नजर भी लग जाती है। तो जाओ जाओ, जल्दी से नजर उतार दो। नमस्ते। नमस्ते। आपकी तारीफ? तारीफ से पहले मैं अपना काम बताना पसंद करूंगा। हाँ हाँ। मैं आपका कर्जा वापस करने आया हूँ। कर्जा? जी हाँ। आपको याद नहीं होगा मगर मुझे याद है। ये लीजिए आपके 500 रुपए। मेरे 500 रुपए? लेकिन मैंने ये आपको कब दिए थे? मैंने कहा ना कि आपको याद नहीं होगा मगर मुझे याद है। ये कर्जा मैंने आपसे पिछले जन्म में लिया था। पिछले जन्म में? जी हाँ। आप मानते हो या ना मानते हो मगर मैं पूर्व जन्म में मानता हूँ और मुझे पिछले जन्म की हर बात याद है। जिसका कर्ज मुझे देना है वो घर जाकर देता हूँ और जिसे कर्ज लेना है वो भी घर जाकर देता हूँ। आपने आज मुझे पूर्व जन्म में पूर्ण विश्वास करवा दिया वरना मैं ये फजूल का ढकोलका समझता था। चलिए अब तो आप मानने लगे। आपने मानने पर मजबूर कर दिया। तो फिर दूसरे अकाउंट में आपके नाम 4000 रुपये निकलते हैं। अगर आप उसका पेमेंट कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। चेक या कैश दोनों में चलेगा। तो आप ये पूर्व जन्म का बहाना करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं? छी 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 छी, कैसी बात करते हैं आप। ये लीजिए आपने 500 रुपए और यहाँ से तशरीफ ले जाइए। ये तो मैं ले लेता हूँ। 3500 रुपये मतलब के 3500 के लिए आप मुझे तारीख बता दीजिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। मैंने आपको कुछ नहीं देना है। ऐसा न कहिए, मेरे खून सीने की कमाई है। आप 10 रोज बाद, 20 रोज बाद, महीने बाद कोई सा भी टाइम बता दीजिए ना। मैंने कहा ना मुझे आपको कुछ नहीं देना है। आप जाते हैं या आलम होता है आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है? कोई बात नहीं, मैं इस वक्त तो चलाता हूँ, फिर हाजिर हो जाऊंगा। हेलो राजेश, क्या बात है कामनी? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो क्या बात है। टेलीफोन पर नहीं, मिलकर बताऊंगी। तो फिर शाम को ले। शाम को नहीं, अभी। अभी? हाँ, तुम फॉरन गार्डन में चले आओ, जल्दी आना। अच्छा, इतना प्यार करती हो तुम मुझसे कामनी? तुम नहीं करते क्या? मैं कितना प्यार करता हूँ इसका अंदाजा शायद तुम नहीं लगा सकती। लगाऊं भी कैसे, तुमने कभी कुछ कहा ही नहीं। तो फिर आज कहता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। शादी? इतनी जल्दी इस बंधन में बंधने की क्या जरूरत है? बात यह कामनी कि तुम्हें मिलने के लिए मुझे अपने घर वालों से झूठ बोलना पड़ता है और मैं उन्हें धोखा नहीं देना चाहता। तो फिर उनसे साफ साफ कह दो,
कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वो लोग प्यार को ठकोसला समझते हैं कामनी। और मैं प्यार बिना शादी को ठकोसला समझती हूँ। तो फिर मैं ये समझूं कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? अभी नहीं। अरे तुम चुप क्यों हो गए, बोलते क्यों नहीं, नाराज हो गए क्या?
कामनी। क्या बात है भैया? तुम सेठ सुंदरलाल के लड़के को तो जानती हो ना? अच्छी तरह। क्यों, क्या हुआ उसे? हुआ कुछ नहीं, उसके साथ मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। रिश्ता मुझसे बिना पूछे? इसमें पूछने की क्या बात, लड़का सुंदर है, पढ़ा लिखा है, पैसे वाला है। मगर मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। कामनी, मैं तुम्हारा बड़ा भाई, मेरी बात मानना तुम्हारा फर्ज है। मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ और मेरी खुशी रखना भी तुम्हारा फर्ज है। मैं शादी अपनी मर्जी से करूंगी। तो तुम उस स्टोर कीपर राजेश से शादी करना चाहती हो? स्टोर कीपर होना कोई जुर्म है क्या? मैं फिजूल की बातें सुनना नहीं चाहता। मैं तुमसे पहले भी कई बार कह चुका हूँ और आज आखिरी बार कहता हूँ कि तुम्हारी शादी राजेश से नहीं बल्कि जहाँ मैं चाहता हूँ वहाँ होगी। ये कभी नहीं हो सकता। तो फिर आज से तुम इस घर के बाहर एक कदम भी नहीं जा सकती। देखता हूँ तुम राजेश से कैसे मिलती हो। राजेश? हाँ जी पिताजी। देखो बेटा, ये वही बदमाश मालूम होता है, यूनियन पार्क के पब्लिक टेलीफोन से बोल रहा है और जनानी आवाज में बात कर रहा है। तुम यहीं ठहरो और इसे बातों में लगाओ, मैं उसे जाके पकड़ता हूँ। नहीं नहीं पिताजी, आप इसे बातों पे लगाइए, मैं जाके पकड़ता हूँ। अच्छा, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, वो कपड़े पहन के बाहर जा रहा है, बस अब पहुँचने वाला है आपके पास। आप कौन है? गर्लफ्रेंड? मैं जी उसका बचपन का दोस्त, कब से जानता हूँ जी, जब से पैदा हुआ है तब से जानता हूँ। हेलो हेलो हेलो। क्यों बे, आवाज के साथ साथ लड़की के कपड़े भी पहन लिए? कामनी, तुम? तुम्हें क्या हुआ, पहकी पहकी बातें क्यों कर रहे हो? ये फोन तुमने मुझे घर पे किया था? हाँ, मगर बात क्या है? कोई बदमाश लड़की के पास बनाकर बार बार फोन कर रहा था, उसी को पकड़ने आया था। खैर, फोन तुमने क्यों किया था, क्या बात है? सब कुछ बताती हूँ, आओ ऊपर चले। क्या बात है? राजेश, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मगर मैंने कब मना किया, तुमने तो इनकार किया था। मगर अब मैं इकरार करती हूँ, मेरा भाई नहीं चाहता कि मैं तुमसे शादी करूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर रखा था, मगर मैं वहाँ से भाग आई। तुम सोच क्या रहे हो? यही कि पिताजी से कैसे कहूँगा कि हम दोनों शादी कर रहे हैं। पिताजी से कहने का वक्त नहीं है, शादी हमें फौरन करनी होगी। मगर कहना तो पड़ेगा, शादी के बाद खुद मालूम हो जाएगा। कामनी, क्या जिन्होंने हमें पाला पोसा उनकी इजाजत लेना हमारा फर्ज नहीं है? शादी हमारी है और इजाजत कोई और दे। राजेश, मैं तुम्हारे लिए रात में घर से भाग कर आई हूँ और तुम बहाना ढूंढ रहे हो, ऐसी बात है तो? नहीं कामनी, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें चाहता हूँ और शादी भी तुम्हें से करूँगा। अगर मगर कुछ नहीं, हम सुबह होते ही हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। कौन है? राधा का कन्हैया। तुम? तुम्हारा लोकनाथ। लेकिन तुम तो अस्पताल में मर रहे थे ना? अरे ये तो कोई मरने की उम्र है। तो फिर तुमने नाटक क्यों किया था? ये तो अपना प्रेम नाटक आरंभ करने के लिए। राधा राधा, तुम नहीं जानती, हम लोगों का जन्म जन्म का साथ है। पिछले जन्म में जब मैं कुत्ता था तो तुम मेरी पत्नी थी। क्या? हाँ, उससे पहले जन्म में जब मैं गधा था तो फिर तुम मेरी पत्नी थी। क्या? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, उससे पहले जन्म में जब मैं बंद था तो फिर भी तुम मेरी पत्नी थी। क्या? और इस जन्म में जब मैं आदमी बनकर आया हूँ तो क्या तुम मेरी पत्नी नहीं बनोगी? राधा जी, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? शर्म तो मुझे तुम्हारी शर्म पर आ रही है। शादी करना तो औरत मर्द का धर्म है, नए आदमी से शादी करने से तो अपने जाने पहचाने जन्म जन्म के साथी के साथ शादी करना अच्छा है। तुम्हारा मतलब है जो पिछले जन्म में कुत्ता, गधा और बंदर रह चुका हो? मगर इस जन्म में तो इंसान बनकर आया हूँ ना। मैं कहती हूँ तुम चले जाओ। सब कुछ कह लेना मगर जाने को ना कहना, ना कहना, ना कहना मुझे जाने को, ना कहना मुझे जाने को, जान दे दूंगा छम से, ना कहना मुझे जाने को, जाने को, जाने को, जान दे दूंगा छम से। पिताजी, क्या होगा? अभी अभी आप एलन मेहता से गाना सुन रहे थे, लीजिए अब हिंदी में खबरें सुनिए। राजनीति की खबरें तो आप रोज सुनते हैं, आज जगविधि का एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनिए। अभी अभी एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ बड़े प्यार से प्यार भरी बातें कर रहा था कि अचानक प्रेमिका के घर वाले बाहर से लौट आए
प्रेमी को प्रेमिका की इज्जत और अपनी दुर्गति से बचने के लिए बेचारे को चूहा बनकर बर्तनों के बीच में छुपना पड़ा। मोहब्बत में मजनू बनना तो बहुत सुना था, मगर आज चूहा बनना भी देख लिया। अब भला चाहते हो तो जल्दी से जल्दी भाग जाओ, अगर पकड़े गए तो उल्टा लटका कर अगले पिछले सब जन्मों का हिसाब चुका दिया जाएगा। चलो बुढ़ा। तुम कहती हो तो मैं जाता हूँ, मगर याद रखना कि तुम्हारी शादी होगी तो मेरे साथ ही होगी। माँ, दिन निकल आया है मगर राजेश का अभी तक कोई पता नहीं। उसके पिताजी से ढूंढने गए मगर वे भी इतने ही लौटे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, उन दोनों को जल्दी भेज दे। भैया, भैया तो पिताजी कहाँ हैं? वो तो तुम्हीं को ढूंढने गए हैं। और माँ? वो बेचारी तो भूखी प्यासी भगवान से तुम्हारी वापसी की प्रार्थना कर रही है। राजेश! माँ! राजेश, तू कहाँ चला गया था बेटा, कहाँ चला गया था? तूने तो हम सबकी जान ही निकाल ली। तेरे पिताजी तेरे खोज में न जाने कहाँ भटक रहे होंगे। क्या बताऊँ माँ, मुझे कैसी शादी में शरीक होना पड़ा जो मेरे बगैर नहीं हो सकती थी। अरे तो कम से कम फोन तो कर दिया होता बेटा। फोन मैंने पिताजी के डर से नहीं किया माँ। क्या वो क्या तुझे शादी में जाने से रोक देते? एक दूसरे की ब्याह शादी में शामिल होना इस देश की बड़ी खुदाई रीत है बेटा, इसमें डरने की क्या बात थी? शादी शादी किसी और की नहीं माँ, तुम्हारे अपने बेटे की थी। राजेश! माँ, 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 क्या हुआ माँ? माँ, ये तुमने अच्छा नहीं किया बेटे, अच्छा नहीं किया। माँ बाप को बताए बिना अपने सर पर सेना बांध लिया। अरे तेरे पिता तो रात दिन तेरी शादी के सपने देख करते थे। क्या क्या अरमान थे उनके, वो सुनेंगे तो क्या कहेंगे? मैंने सब कुछ सुन लिया। राजेश, मैं तुम्हें हीरा समझकर अपने सीने में छिपाया था और तुमने मेरे ही सीने में जख्म पैदा कर दिया। मुझे मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। तुमने इस घर के साथ इतनी बड़ी गुस्ताखी की है जिसकी सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए। बच्चों की नादानी पर पर्दा डालना माँ बाप का फर्ज है, ऐसा तो आप ही ने कहा था। इस घर की बहू रानी को घर के बाहर चौकीदार बना के खड़ा कर दिया और तुम इसे नादानी कहती हो? अंदर चलो बाबू। आओ। राधा की माँ, ये है तुम्हारे बेटे की बहू। अपनी सास के पैर छुओ बेटी। सदा सुहागिन रहो बेटी। चलो बेटी। ये क्या माँ, भाभी की आरती भी नहीं उतारी और तुम अंदर ले आए? चोरों की आरती नहीं उतारी जाती। खबरदार मुझे भैया का, तूने मेरी इज्जत को जिंदा दफनाया है, मेरे प्यार को ठोकर मारी, मेरे अरमानों का कलंक उठा है। तू बहन नहीं, खूनी है, खूनी। नौजवान, ये न भूलो कि तुम्हारी बहन ही नहीं अब इस घर की बहू भी है। बहू? चोरों की तरह घर से भागकर आके इर्द गिर्द चक्कर काटने से कोई बहू नहीं बन जाती। मैं शादी को शादी नहीं बल्कि चोरों की साजिश समझता हूँ। आपके समझने न समझने से क्या होता है, हमें अपनी मर्जी से शादी करने का पूरा हक हासिल है। तो फिर तुम्हारे भाई को भी तुमसे रिश्ता तोड़ने का हक हासिल है। आज तुम मेरे लिए मर चुकी। नौजवान, छोटों की भूल को भूलना अकलमंदी, और अब तुम्हारा फर्ज यह है कि इनकी खुशी को अपनी खुशी समझकर इन्हें आशीर्वाद दो। मेरी नजरों को सदा के लिए लोगों के सामने झुकाने वालों को आशीर्वाद नहीं श्राप मिलना चाहिए, श्राप। भैया, बहू, फर्ज जब हक बनकर खड़ा हो जाता है तो इंसान इंसानियत से दूर हो जाता है। चलो, राधा आरती का थाल लिए तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो चलो बहू। Thank you.
देखे बगैर ना रह सकी। नहीं, नहीं, मेरा मतलब है मैं तुम्हें देखे बगैर ना रह सकी। तू हो? हाँ। मैंने तुम्हें हजार दफा मना किया, फिर तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें भगा कर ले जाने के लिए। क्या? हाँ, तुम्हारी भाभी ने भी तो घर से भागकर शादी की है। आओ राधा हम भी भाग चले, और फिर शादी के बाद बल्कि एक आध बच्चे के माँ बाप बनने के बाद फिर घर वालों को मिलेंगे। खबरदार, जो फिर कभी ऐसी वैसी बातें मुझे निकाली, तुमने मुझे समझा क्या है? राधा राधा, अपनी इज्जत के ख्याल से चुप हो, वरना भैया को बुलाकर ऐसी मरम्मत करवाती कि सारी जिंदगी फिर मुझसे मिलने की ना सोचते। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो राधा, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। चल, मेहमानों को खाना खिलाना है। आप कौन है? बिन बुलाई मेहमान, मुझे एक कलावती कहते हैं, इसी हफ्ते बर्मा से आई हूँ। बहन, तुम्हारे लड़के ने बहुत बहुत सुंदर पसंद की है, भगवान करे तुम्हारी राधा को भी जल्दी ही बंसी बजाने वाला मिल जाए। क्या करो बहन, अच्छा लड़का मिलता ही नहीं। अच्छे लड़कों की क्या कमी है, मेरा भतीजा ही है अमरनाथ, बर्मा में लाखों का कारोबार था, अब इसी देश में काम करने का विचार है। बैठो बैठो बहन, उम्र 20 के आसपास, सुंदर और जवान, सिगरेट पीने तक की आदत नहीं, 4 ही दिन हुए बर्मा से आए, 14 रिश्ते आ चुके, मगर जब से मैंने आपकी राधा को देखा है, दिल करता है सारे रिश्ते वापस कर दूं, मगर आप हाँ कहे तो ना। मगर बहन, लड़का देखे बगैर कैसे हाँ कर दूं? अच्छा, एक बार क्या, हजार बार देखे ना, कौन सी कमी है मेरे अमरनाथ में, कल भेज दो। आप तो आएंगे ना सर? जी नहीं, अगर लड़का आया तो मैं नहीं आ सकूंगी, और मैं आई तो लड़का नहीं आ सकेगा, आखिर घर पर भी तो किसी को रहना चाहिए ना। मैं कल सुबह 10 बजे मुझे यहाँ पहुँचा देती हूँ। अच्छा मैं जाऊँ? जलपान तो करती जाइए। अच्छा जल तो मैं पी चुकी हूँ, पान में खाती नहीं। राधा इधर आओ, भगवान करे अपनी ये बात बन जाए, मैं अपनी राधा को हमेशा अपने दिल के पास रखूंगी। अच्छा मैं जाती हूँ। भगवान करे ये बात बन जाए। बबू कहीं बाहर जा रही हो क्या? क्यों, क्या बात है? राधा को देखने लड़के वाले आए हैं ना, तो इसमें मैं क्या करूं? तुम चलकर देख लेती, अपनी राय बता देती, पसंद है कि नहीं। जब लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर मेरी पसंद क्या करेगी? क्या कहती हो बहू, लड़का लड़की ने तो एक दूसरे को अभी तक देखा भी नहीं। क्या, अभी तक शादी करने वालों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं? नहीं, फिर तो मेरी पसंद का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं ऐसी शादी के बिल्कुल खिलाफ हूँ जो लड़का लड़की की मर्जी से ना हो। मगर हमारे कुल में तो शादी आज तक बड़ों की मर्जी से ही होती आई है बहू। वो जमाना बदल गया माँ जी, आज की लड़की अपनी किस्मत किसी दूसरे के हाथ में देने के लिए तैयार नहीं है, अपना जीवन साथी चुनना उसका पहला अधिकार है। अधिकार? हाँ, और आज मैं नारी के उसी अधिकार पर भाषण देने जा रही हूँ। बाहर मेहमान बैठे हैं, उनके सामने से जाओगे तो वो क्या कहेंगे? तो मैं उस दरवाजे से चली जाऊंगी, आपके मेहमानों को पता भी नहीं चलेगा। जा बेटी, जरा पान तो भिजवा दो। हमें लड़की पसंद है। और हमें भी। लो शादी की घंटी भी बज गई। देखो
शायद राजेश आया। तो अब लेने देने की बात भी कर ली जाए। अजी लेने देने की बात कैसी, इन्हें लड़की देनी है, हमें लड़की लेनी है, हिसाब किताब बराबर। मुबारक हो बेटे, तेरी बहन की शादी पक्की हो गई। सच माँ? हाँ बेटा, बड़ा ही नेक लड़का है, हम सबको बहुत पसंद है। चल चलकर तू भी देख ले ना। जब आप सबने देख लिया तो समझ लो मैंने भी देख लिया। माफ कीजिएगा, मैंने नोट किया है आप हमेशा सबके हंसने के बाद हंसते हैं, सबके साथ क्यों नहीं हंसते? सवाल यह है कि बुजुर्गों की बराबरी करना मेरा फर्ज नहीं है। आप हंस रहे थे, मैं सोच रहा था, बाद में मैं इसलिए हंसा कि बात ही हंसी की थी, नहीं हंसता तो मेरी हंसी उड़ती। माफ करना, राधा का भाई था, अपनी बहन को बधाई देने गया। लड़के को देखे बिना उसे अपने माँ बाप की पसंद पर पूरा भरोसा है। तो फिर कोई शुभ दिन देखकर सगाई पक्की कर दीजिए। अजी सगाई पर क्यों पैसे खराब करते हैं, डायरेक्ट शादी की तारीख पक्की कीजिए ना। शादी और तुम्हारे साथ नामुमकिन है। राजेश आप नहीं जानते पिताजी, ये 420 है, 420। मैंने क्या 420 की है जनाब? पिछले जन्म का कर्जा बताकर भोले भाले लोगों को ठगना, ये 420 नहीं तो और क्या है? निकल जाओ यहाँ से। अजी निकल जाते हैं मगर ये बताने के बाद कि तुम एहसान फरामोश हो, पिछले जन्म में मैंने अपने खून पसीने की कमाई तुम्हें कर्ज देकर तुम्हारी शादी कराई, आज तक उसका ब्याज भी नहीं मांगा, असल का पेमेंट भी तुम्हारी मर्जी पर छोड़ दिया, और तुम आज मेरे सर पे सहरा बांधने के बजाय मुझे घर से निकाल रहे हो। शट अप। अजी शट अप क्या, हम तो रनअप हो जाएंगे, मगर किस्मत की जबान को कोई शट अप नहीं कर सकता है। अगर मेरा संजोग है तो इसी घर में राधा का कन्हैया बनकर आऊंगा, जरूर आऊंगा। चलो भैया भाभी, हमें नारी के अधिकारों के लिए लड़ना होगा। नारी के साथ जो समाज ना इंसाफी करता है उसे खत्म करना होगा। यदि इस अधिकार के जमाने में भी हम सब एकत्रित होकर मुकाबला नहीं कर सके तो समझ लो कि नारी हमेशा के लिए गुलामी की बेड़ियां पहन लेगी। ऐसा नहीं हो सकता तो फिर जोर से बोलो, हमारा अधिकार जिंदाबाद, हमारा अधिकार जिंदाबाद। मैं पिक्चर देखने जरूर जाऊंगी, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जब तुम मेरी बात नहीं मानते तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मैं जाऊंगी जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। जायदाद का आधा हिस्सा चाहिए, ऐसी बात करते हो तुझे शर्म आनी चाहिए, तू मेरी छोटी बहन है, इसीलिए तो अपना अधिकार मानती हूँ। कामनी तुम्हें ऐसा भाषण नहीं देना चाहिए था। क्यों? तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे भाषण से कितनी औरतें अपने पति के खिलाफ और कितनी बहनें अपने भाई के खिलाफ हो जाएंगी? ये तो बड़ी खुशी की बात होगी कि मेरे भाषण से नारी में जागृति पैदा हो जाए और वो पुरुष के अत्याचारों को कुचलने के लिए तैयार हो जाए। कामनी, कामनी! अरे आशा तुम कैसे हो? कब आई? अकेली आई क्या? वैसे तो माताजी और पिताजी दोनों आए हैं। अच्छा, मगर तुमसे मिलने में अकेली आई। क्यों, खैरियत तो है? कामनी मेरे माँ बाप मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी कर रहे हैं। अरे तो तुम इनकार कर दो, तुम तो जानती हो मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है। तो नारी समाज की ओर से हम लोग तुम्हारे घर वालों को समझाएंगे, मगर वो लोग समझेंगे कि मैंने ही ये सब कुछ करवाया होगा। तो आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं सोचती हूँ कि फेरों से पहले घर से भाग आओ। बहुत अच्छा, ये भी ठीक रहेगा। शुक्रिया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि नारी समाज को इस बात का पता चले। तो तुम एक काम करना, सीधी मेरे घर पर चली आना, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। शुक्रिया। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे जा सकती हो, कुछ खाओगी पियोगी नहीं? नहीं, पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं उन्हें कहकर नहीं आई, फिर कभी। अच्छा ओके, बाय 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 बाय। कामनी तुम्हें किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाना चाहिए, तुमने जिस तरह घर से भाग के शादी की है, क्या तुम चाहती हो कि लड़की वैसा ही करे? जरूर, हर लड़की जिसके घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ करना चाहते हो उसे ऐसी शादी को किसी भी तरह तोड़ने का अधिकार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन्होंने उन्हें पाल पोस का बड़ा किया उनकी मर्जी कोई मायने नहीं रखती? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लड़की को जिंदगी गुजारनी है न कि उसके घर वालों को। यही कारण है कि आज हजारों लाखों लड़कियां पत्नी की हैसियत से नहीं बल्कि नौकरानी की हैसियत से काम कर रही हैं। पत्नी बराबर की हिस्सेदार होती है न कि गुलाम। तुम अपनी बहन राधा की ही मिसाल ले लो ना, तुम लोग उसे कोल्हू के बैल की तरह चलाने चाहते हो और इसके लिए वो एक दिन पछताएगी। अगर मैं उसकी जगह होती तो कभी तुम लोगों की बात नहीं मानती और शादी अपनी मर्जी के लड़के से करती। बस चैन पड़ गया हम लोगों की बेइज्जती करा के। तुम्हारी भाभी ने पहले ही मना किया था लेकिन पता नहीं क्यों मैं बेवकूफ की तरह तेरी बातों में आ जाता हूँ। तुमने भी माँ को मरते समय वचन दिया था कि तुम हमेशा मेरी खुशी का ख्याल रखोगे। तुमने भी कसम खाई है कि सारे शहर में
तू मेरी बेइज्जती करता रहेगा। अरे मैं पूछता हूँ, तू राधा के भाई के स्टोर में गया ही क्यों था? मुझे क्या मालूम कि वो राधा का भाई था, वरना मुझे काले कुत्ते ने कहा था कि मैं उधर जाता। एक तरफ तू कहता है कि तेरा और राधा का प्यार है, और दूसरी तरफ तूने राधा के भाई को आज तक देखा भी नहीं। अरे तेरा प्यार, अरे भाई साहब आप नहीं समझते, मेरा और राधा का प्यार होने से पहले ही उसका भाई तो दूसरे शहर में काम सीखने के लिए चला गया था, कुछ ही दिनों में वापस आया है। खैर मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं, आइंदा मैं ऐसे कामों में तेरा साथ नहीं दे सकता। भाई साहब राधा से अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा, और फिर तुम माँ को क्या मुंह दिखाओगे? और जब वो तुमसे पूछेगी क्यों रे तूने तो लोकनाथ को खुश रखने की कसम खाई थी और तूने ही उसकी जान ले ली। ना जाने मेरे कौन से पापों के बदले तू इस संसार में मेरा भाई बनकर पैदा हुआ, अब तू चाहता क्या है? एक बार उस घर में और जाना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। मगर हमें अब उस घर में घुसने कौन देगा? आंटी कलावती। आंटी कलावती? हाँ आंटी कलावती, यानी कि मैं आज फिर आंटी कलावती बनकर राजा के घर गया था और उसकी माँ को समझाया कि जो अमरनाथ आपकी बेटी को देखने आया था वो असली नहीं था, वो तो नकली था। असली अमरनाथ तो अपने माँ बाप के साथ आने वाला है। तो भाई और भाभी से हमें तो ये माँ बाप बनना पड़ेगा। अरे वैसे भी बड़े भैया और भाभी तो माँ बाप के बराबर ही होते हैं। मगर मैं ये सब कुछ तेरी भाभी से नहीं कह सकता, वरना वो मुझे तलाक दे देगी। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें मना लूंगा। अच्छा हाँ माफ कीजिएगा लाला जी, मेरे डैडी को बेवक्त हंसने की आदत है, ये उनका ओरिजिनल आदत नहीं, इनके दोस्त के लड़के से उनको ये आदत पड़ गई है। असल में वो लड़का सबके हंसने के बाद हंसता था, उसकी हंसी उसकी बीबी को गोली मार मार कर सॉरी डैडी रुकवानी पड़ती थी। उसके जाने के बाद डैडी और मम्मी उसकी नकल उठाने लगे, नतीजा ये हुआ कि डैडी और मम्मी को भी वही आदत पड़ गई। दोस्त का वो लड़का भी बर्मा में रहता है? जी नहीं, वैसे तो वो हिंदुस्तान का रहने वाला है, इसे शहर का। वो अपनी बीवी और अपने भाई के साथ बर्मा घूमने के लिए आया था। मैंने तो इस डर से कि कहीं डैडी को कोई और बुरी आदत ना पड़ जाए उसे हम यहाँ आए हैं वो खबर तक नहीं किया। उसे दूध भी बोतल से पीने की आदत है। वैसे बर्मा में आप लोगों का कारोबार क्या है? है नहीं, था। जैसे डैडी को हिंदुस्तान की हवा सूंघने का शौक सवार हुआ कि हम लोग सब कुछ बेचकर हिंदुस्तान चले आए। माफ कीजिएगा, यहाँ आप कहाँ रहते हैं? रहना तो हम लोगों के दिलों में चाहते हैं, मगर जगह नहीं मिलती, और जो मिलती है वो अच्छी नहीं है, इसीलिए सर छुपाने के लिए कोई 5-7 लाख रुपए की फर्स्ट क्लास झोपड़ी तलाश कर रहे हैं। लाला जी हमारी होने वाली सास कहीं बाहर गई है क्या? आई मीन आपकी वाइफ। राजेश देख तो सही तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं तो यहीं खड़ी थी। ये हैं श्रीनाथ जी, आप हैं आपकी धर्मपत्नी, और ये अमरनाथ, ये मेरी धर्मपत्नी। बैठिए आप लोग। तो हम सब लोगों की राय है कि सगाई जल्द हो जानी चाहिए और शादी आपकी मर्जी पर। हमारी मर्जी तो सगाई से पहले शादी करने की है, बाकी आपकी मर्जी पर। लाला जी कन्या को बुलवाइए। लोकनाथ कोई चोर नहीं है, मेरे होते ही सबका हिसाब साफ कर देगा। फेरों के बाद कौन फेरे लगाता फिरेगा? हमें सारे पैसे फेरों से पहले मिलने चाहिए, वरना सारे बराती वापस चले जाएंगे। तुमने चोरों की तरह शादी की, मैं तो सबके सामने शादी करने आया। ये किराए के बराती लेकर
किराए के बराती? हाँ पिताजी, ये सब बराती किराए के, यार ये पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं राजेश, पुलिस को बुलाने में हमारी भी बदनामी। लोकनाथ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब भलाई इसी में है कि तुम फौरन यहाँ चले जाओ। चले जाते, चले जाओ, चले जाते, चलो भैया। हमारे पैसे तो देके जाओ। पैसे किस बात के, शादी तो हुई नहीं। हाँ, शादी होती तो पैसे देते। हमारी शादी नहीं हुई तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हम पैसे लिए बगैर तुम्हें नहीं जाने देंगे। लेकिन पैसे है ही नहीं तो देंगे कहाँ से? हाँ, देंगे कहाँ से? देंगे कहाँ से? मैं तुम्हें मना कर रहा था कि ऐसा काम मत करो, अब देख लिया नतीजा। हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरी बीवी भी भाग गई। अरे भैया, मैं तो बड़ा भाग्यवान हूँ कि लोगों ने मुझे लोकनाथ से मजनू बना दिया। मैं तो अपनी लैला के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। अरे मूर्ख, जान देने से लैला थोड़े ही मिल जाएगी। अरे इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो जरूर मिल जाएगी। देखो देखो देखो, मेरी लैला आ रही है। कहाँ? कितनी खूबसूरत लगती है ना लैला। लैला के सामने चौधरी का चांद भी कुछ नहीं। मैं जानता था तुम जरूर आओ। तुम नहीं आती ना तो तुम्हें मिले बगैर ही तुम्हारा मजनू आसमान की सैर को चला जाता। हाँ लैला, हाँ मेरे करीब आओ, मेरे पास आओ, मेरे गले लग जाओ लैला, गले लग जाओ मेरे लैला। झलक दिखा दे सनम, दिल तेरा दीवाना दिखा दे सनम, दिल तेरा दीवाना है। झलक दिखा दे सनम, दिल तेरा दीवाना है। फजूल शर्म न कर, ये नया जमाना है। फजूल शर्म न कर, ये नया जमाना है। झलक दिखा दे सनम, वो दिन हवा हुए जब हुस्न पैद था घर में। वो दिन हवा हुए जब हुस्न पैद था घर में। गली में डर है तो चल के मिलेंगे थिएटर में। झिझक झिझक के न चल, हमको दूर जाना है। झलक दिखा दे सनम, दिल तेरा दीवाना है। झलक दिखा दे सनम। अब करने चले हैं शादी। देख हसीना, देख हसीना, हम तो है जीना एक ही इसका करीना। अपने चमन की, अपने वतन की बढ़ने न दे आबादी। तराना 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 है। झलक दिखा दे सनम, दिल तेरा दीवाना है। झलक दिखा दे सनम।
समाचार हूँ स्वामी। इतना प्यारा समा और खाली है मकान, कैसे आऊँ वहाँ के छाया है धुआं, क्या क्या मैंने कहा तू समझी ना कभी, मेरी तेरी जुबान चल सकती थी कहाँ, चौदह जुबाने अपने वतन में, टुकड़े हैं कितने एक बदन में, प्यार का सूबा मैंने तराशा, उसमें चलाई प्यार की भाषा, तुझे ये भाषा सिखाना 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 है, झलक दिखा दे सनम दिल तेरा दीवाना है, झलक दिखा दे सनम। तुझसे मुझे है प्यार तू चल मेरे नाल गोरिये, तुझसे मुझे है प्यार तू चल मेरे नाल गोरिये, दूर से आँख न मार तू चल मेरे नाल गोरिये, दूर से आँख न मार तू चल मेरे नाल गोरिये, मौज करेंगे मेले में चल के, घूम फिरेंगे वेश बदल के, सोना भी महंगा चांदी भी महंगी, सुरमा भी महंगा मिट्टी भी महंगी, प्यार है सस्ता प्यार करेंगे, प्यार की खाली झोली भरेंगे, हाँ समझ गई, बड़े मजे का बहाना 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 है, झलक दिखा दे सनम दिल तेरा दीवाना है, हुजूर घर मन घर ये नया जमाना है, झलक दिखा दे सनम। कुछ भी हो राजेश के पिता, बारात के इस तरह खाली लौट जाने से राधा के मन को बहुत दुख हुआ, कमरे से बाहर भी नहीं निकली है। दुख तो हमें भी कम नहीं हुआ राधा की माँ, लेकिन होनहार को क्या करें। ये मेरी सास और ये मेरे ससुर और ये मेरे कॉलेज की सहेली है आशा। नमस्ते। जीते रहो बेटी। बैठो बेटे, चाय पियो। लो बेटे चाय पियो, मैं बनाती हूँ। अच्छा, इन्हीं की शादी पर जाने को कह रही थी तुम? जी। शादी हो गई क्या? जी नहीं, वो शादी नहीं, जुल्म हो रहा था आशा के साथ। आशा के माँ बाप जिस लड़के के साथ आशा की शादी कर रहे थे वो आशा को पसंद नहीं था, और जो लड़का आशा को पसंद था वो उसके माँ बाप को पसंद नहीं था। तो फिर क्या हुआ? वही जो होना चाहिए था, आशा फेरे से पहले घर से भाग आई। भाग आई? और क्या करती, अब जब तक इसका बॉयफ्रेंड नहीं आ जाता ये यही रहेगी। बहू जरा इधर आना। बेटी तुम्हें आशा को अपने साथ यहाँ नहीं लाना चाहिए था, उसका यहाँ रहना मुनासिब नहीं। मगर क्यों? वो घर से भाग कर आई। मगर मैं भी तो घर से भाग कर आई थी, मुझे क्यों आपने आसरा दिया? तुम्हारी और राजेश की शादी हो चुकी थी तब आसरा दिया। मगर आशा भी तो शादी करना चाहती है। शादी करने और शादी हो चुकने में जमीन आसमान का फर्क है बेटी। अगर तुम अपनी सहेली का भला चाहती हो तो उसे घर वापस पहुँचा दो, ये तुम्हारा फर्ज है। माफ कीजिए पिताजी, आशा अपने अधिकार के लिए लड़ रही है और मेरा फर्ज उसकी मदद करना है। देखो बेटी, हम लोगों का आपस बहस करना शोभा नहीं देता, मैं चाहता हूँ तुम उसे वापस कर दो। ये नामुमकिन है। तो आशा का यहाँ रहना भी नामुमकिन। अब मैं भी आया, मैं नहीं चाहती, मुझे क्या मालूम था कामिनी, मैं यहाँ अपमान कराने के लिए ले आई थी। शुक्रिया आशा। सुनो आशा, सुनने में कुछ कसर रह गई है क्या जो और सुनाना चाहते हो? सुनो आशा, आज आप लोगों ने मेरी अच्छी इज्जत कराई, आशा इस घर की बहू के मुंह पर तमाचा मारकर चली गई और आप लोग देखते रहे, अब मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं। बहू राजेश, बेटा तुम ही बहू को समझाओ। कामनी, कामनी
रामलू, जरा से बात के लिए घर नहीं चला करता। तुम इसे जरा सी बात कहते हो? मेरी सहेली के सामने मेरा अपमान करना जरा सी बात है? जिसे मैं अपना मेहमान बनाकर अपने घर लाई, उसे घर से बाहर निकाल देना जरा सी बात है क्या? अगर अगर कुछ नहीं तुम मेरे साथ चल रहे हो या यही रुकोगे? क्या कह रही हूँ कामू? बस जवाब दे दिया हिम्मत ने। किसी हौसले पर प्यार का दम भरते थे, किसी दिन के लिए हमेशा साथ देने का वादा किया था। यही सोचकर हाथ थामा था मेरा कि वक्त आए तो दुनिया की ठोकर खाने के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। कामू, तुम्हारे घर वाले मेरी इज्जत से हंसी उड़ाए और तुम्हारा सिर्फ आशा देखो। काश मुझे मालूम होता कि मैं जिसकी खातिर दुनिया को छोड़ रही हूँ वो एक दिन दुनिया के खातिर मुझे छोड़ देगा। नहीं नहीं कामनी, मुझे गलत ना समझो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ सकता। राजेश, हाँ मैं सच कहता हूँ कामनी। राजेश कहाँ जा रहे हो बेटे? कामनी के साथ। घर में छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं, उसके लिए घर छोड़कर कोई थोड़ा ही जाता है। घर का झगड़ा होता तो ठीक था, यहाँ तो बाहर वालों के सामने मुझे जलील किया गया है। बड़ों की बातों को बुरा नहीं मानते बहू, उनके तरफ से मैं तुमसे माफी मांग लेती हूँ। राधा की माँ, आप ईमानदार है ना, छोटे की जिद को बड़ों को पूरी करनी ही पड़ती है। तुम नहीं समझती, ये जिद इस घर को तबाह कर देगी। चलो जी। नहीं नहीं बहू, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। बेटा तुम्हें समझा ना बहू को, घर की इज्जत को दुनिया के सामने तमाशा नहीं बनाया करते बेटा। जाने दो राधा की माँ, अगर बुढ़ापे में भी औलाद के कदमों में सर रखना पड़े तो उससे मर जाना बेहतर है। ऐसा ना कहो, राजेश को रोक लो, मैं उसके बिना एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकती। तो फिर एक शब्द पे हम यहाँ रुक सकते हैं? आशा इस घर में रहेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो फिर हम भी यहाँ नहीं रह सकते। चलो राजेश, राजेश रुक जाओ बेटे, राजेश रुक जाओ, तुम्हारी माँ बुला रही है। राजेश, राधा की माँ, अब क्या होगा भगवान तेरे संसार का, इंसान पुजारी बन गया अधिकार का। सब अपनी गरज के बंदे, कोई फर्ज न अपना माने, सब लेने को हाथ बढ़ाए, यहाँ देना कोई न जाने। बोली है ये दुनिया रिश्ता सच्चे प्यार का, अब क्या होगा भगवान तेरे संसार का। कैसे सो जाऊं? राजेश का ध्यान मुझे सोने नहीं देता। हमने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और वो हमें ही छोड़कर चला गया। ये संसार की रीत है राधा की माँ, माँ बाप का फर्ज है बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर देना, उनसे अपने सुख की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मगर बच्चों का भी तो फर्ज है माँ बाप की इज्जत करना, उनकी बात मानना। अधिकार की आग जब फैलने लगती है तो फर्ज डर कर दूर भाग जाता है। इंसान को माँ बाप भाई बहन कुछ दिखाई नहीं देता। अब सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, सो जाओ। हेलो, यूनी 575587। राधा, राधा माँ कैसी है? मैं मजबूर होना था माँ की हालत जानने के लिए। नटराज होटल कमरा नंबर 7, मैं तुम्हें कल फिर फोन करूंगा, मगर किसी को बताना नहीं। अच्छा राधा की माँ,
राधा की माँ। आ गया मेरे राजेश। कौन राजेश? राजेश नहीं माँ जी, मैं दूध वाला हूँ। राजेश कहाँ है? राजेश कहाँ है? राजेश माजी। लाला जी, इनकी हालत बहुत खराब होती जा रही है। सदमे ने इनके जिले दिमाग पर बहुत बुरा असर किया है। मैं दवाई दे देता हूँ, दिन में 4 बार दीजिए। बहुत अच्छा। लाला जी, कहाँ गया आपका बेटा? आप उसे बुला क्यों नहीं लेते? राधा बेटी, जा अपने भैया को फोन कर दे, कह कि तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मैं राधा बोल रही हूँ। भाभी, माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। हर आधे घंटे के बाद फोन पर मुझे इनकी इत्तला देते रहिए। बहुत अच्छे, तकलीफ न कीजिए आप, मैं चला जाता हूँ। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते पिताजी। क्या हुआ? भाभी ने फोन उठाया था, कहती हैं कि जब तक पिताजी यहाँ आकर मुझसे माफी नहीं मांगेंगे, भैया घर नहीं आ सकते। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राधा की माँ, नहीं हो सकता। राधा की माँ, इस घर के किसी के घर जाकर भीख मांगे, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। राधा की माँ, मेरी इज्जत से तुम्हारी जिंदगी कहीं ज्यादा कीमती है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी जो मेरे सुहाग को भिखारी बनाते। मैं सच कहती हूँ, अब मैं राजेश का नाम नहीं लूंगी, कभी नहीं लूंगी। मुझे नहीं चाहिए ऐसा। राधा की माँ, राधा की माँ, बेटी जल्दी से जाके डॉक्टर को टेलीफोन कर। जी हाँ डॉक्टर साहब, आप प्लीज जल्दी आइए। राधा, तू जाकर अपनी माँ के पास बैठ, मैं राजेश के पास जाता हूँ। राधा, तेरे पिताजी कहाँ है? अरे बोलते क्यों नहीं? क्या बहू से माफी मांगने गए हैं? बहू? राजेश की माँ बहुत बीमार है, राजेश को उसकी माँ के पास ले चलो। बहू, मेरी गलती की सजा राजेश की माँ को न दो। बहू, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। बहू, तुम्हारे पाँव पड़ता। ये आप क्या कर रहे हैं? मिल सकी न अपने पीछे, मरते मरते भी सुहागन, किस्मत ने भी आंखें फेरी, बिन मौत मरी है भागन, दिल में तो हर बात में पहले मेरा ख्याल करती थी, पहले मुझे खाना खिलाकर फिर खुद खाती थी। तुमने हमेशा पहले मेरे आराम का ख्याल किया, फिर ये मरने में तुमने पहले क्यों की? पिताजी, चलिए खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं बेटे। इतने दिन हो गए पिताजी, आपने एक बार भी ठीक से खाना नहीं खाया।
आपका नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। चलिए ना पिताजी, चलिए। जानकी, तुमने तो जिंदगी भर साथ देने की कसम खाई थी, फिर ये मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? मैम साहब, ये भिंडी और दाल किसे पूछकर बनाए थे? मैंने कहा था। क्यों कहा था? तुम्हें मालूम है ये दोनों चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। देखो सुरंग, कल से ये दोनों चीजें मेरे खाने में नहीं आनी चाहिए। बहुत अच्छा मैम साहब। देखो सुरंग, ये दोनों चीजें मुझे बहुत पसंद है, कल से हमेशा खाने की। बहुत अच्छा साहब। मैं कहती हूँ ये दोनों चीजें नहीं बनेगी। बहुत अच्छा मैम साहब। मैं कहता हूँ ये दोनों चीजें बनेगी। मैं कहती हूँ नहीं बनेगी। मैं कहता हूँ बनेगी। नहीं बनेगी। बनेगी। नहीं बनेगी। जरूर बनेगी। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। चुप। गुस्ताखी माफ हो साहब, मैम साहब, हम आप दोनों के लिए अलग अलग चीज बना सकता है। तो फिर मेरे लिए पनीर मटर। बहुत अच्छा। मेरे लिए पालक दाल। बहुत अच्छा। मेरे लिए बैगन भरता। बहुत अच्छा। मेरे लिए टमाटर आलू। बहुत अच्छा। तुरई। भिंडी। गोभी। दूधी। मूली। शलगम। नमकीन पराठा। मीठी पूड़ी। माँ, अच्छा मैं आप लोगों का ऑर्डर रिपीट करता हूँ, चेक करनी। अरे ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? जब किसी का झगड़ा होता है तो मेरी आवाज पर असर हो जाता है, लेकिन आप लोग फिक्र मत करो, वहाँ आप ही आप ठीक हो जाएंगे। पनीर मटर, पालक दाल, बैंगन मुर्ता, आलू टमाटर, चौटाई, भेंटी, गोभी, दूधी, मूली, शलजम, नमकीन पराठा, मिट्टी पूनी, आप लोग बोलो तो अपनी तरफ से कॉमन आइटम भी पेश करेंगे। देखा मेरा आवाज सुधर गया कि नहीं? मुझे पिताजी का खाना बनाना है, एक स्टोव चाहिए। दोस्तों नहीं मिलेगा, सब मेरे साथ का खाना पकड़ा है। तुम्हारा मतलब है पिताजी का खाना नहीं बनेगा? हाँ सर, बिना ऑर्डर कोई खाना नहीं बनेगा। ऑर्डर? हाँ, इसको क्या मांगता है पहला ऑर्डर करना मांगता है। खाना तो मैं खुद पकाती हूँ। हाँ सर, तुम खाना नहीं पका सकती, लेकिन मैं हमारा हुक्म चलेगा। तुम्हारा हुक्म चलेगा? देखते हैं किसका हुक्म चलेगा। ठीक है, ठीक है। अभी मैम साहब से बोलता है। मैम साहब, एक मिनट से हम आपके पास में काम नहीं करेंगे। क्यों, क्या हुआ? क्या ना हुआ, छोटा मैम साहब ने हमारा किचन में बेइज्जती किया। क्या कहा उसने? अरे कहने को तो एक छोर हजार कह लेती तो हम बुरा ना मानता, पर हमारा किचन में कोई हम पर हुक्म चला ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो आप हो या हमारा बाप हो। अरे किचन पर तो हमारा अधिकार है। मगर क्या किया राधा ने? क्या किया, हमारा आंधिया उतार के अपना आंधिया चढ़ा दिया और हमको नारंगी का छिलका का माफिक में बाहर में फेंक दिया। राधा कहाँ है? किचन में। राधा, क्या बात है भाभी? मैं पूछती हूँ तुम्हें सुरंग पर नाराज होने का क्या हक था? वही जो घर के मालिक को होना चाहिए। मालिक तुम्हारे भैया है या तुम? न मैं न भैया, घर के मालिक पिताजी है। नहीं राधा, मालिक तुम्हारा भैया ही है। जब लड़का बड़ा हो जाता है तो घर चलाने की जिम्मेदारी उस पर ही होती है। सुन लिया, आज से इस घर में हमारा हुक्म चलेगा। तुम अब से रसोई में नहीं आओगी और न कभी सुरंग के मुंह लगोगी। राधा, अरे बेटी तू रो रही है? पिताजी, अब भाभी से इतना डरते क्यों है? ये घर आपका है, इस घर पर आपका पूरा अधिकार है। अधिकार की ये बीमारी तेरी माँ को तो खा गई बेटी, अब इसे और मत फैला। इस घर की सुख और शांति के लिए हमें हमेशा अपने फर्ज को गले से लगाए रहना चाहिए। और पगली, बड़ों की इज्जत करना छोटों का फर्ज है। तो फिर भाभी आपकी इज्जत क्यों नहीं करती? बेटा, कोई करे या ना करे इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें अपना कर्तव्य पूरा करते रहना चाहिए। पिताजी,
राधा, ये सब क्या है? आज भाभी की शादी के पहले साल की राह है, सारे घर को सजाना है, रात को पार्टी जो है। तेरी भाभी को मालूम नहीं कि तेरी माँ को मरे अभी महीना भर भी नहीं हुआ? मुझे मालूम है। और फिर भी तुम पार्टी की तैयारियां कर रही? क्योंकि शादी की पहली सालगिरह दोबारा नहीं आ सकती। राधा तू ये उधर लगा दे, मैं यहाँ देखती हूँ। अपनी खुशी की खातिर मरने वाले की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए बहू, तुम्हें पार्टी नहीं करनी चाहिए। अगर मेरे पार्टी न करने से मरने वाली जिंदा हो सकती है तो मुझे मंजूर है। बहू तुम अपनी मरहूम सास का ही नहीं मेरा भी मजाक उड़ा रही है, मैं ये पार्टी नहीं होने दूंगा। ये पार्टी होगी और जरूर होगी। नहीं होगी। जरूर होगी। देखता हूँ कैसे। तुमने पिताजी पर हाथ उठा? राधा बहू उसे माफ कर देना। पिताजी इसमें बहू का कोई कसूर नहीं, दोष मेरा है। मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा फर्ज को अधिकार के कपड़े पहनाए। तेरी माँ की आत्मा को शांति शांति। राधा की माँ मैंने बहुत कोशिश की मगर अब बर्दाश्त नहीं हो सकता, मैं अपना अपमान सह सकता हूँ मगर तुम्हारे साथ अन्याय नहीं देख सकता। ऐसे घर में जहाँ एक तरफ चिता जल रही हो और दूसरी तरफ शहनाई बज रही हो, जीना बहुत मुश्किल है राधा की माँ। अधिकार की बीमारी जिसे मैं अपने फर्ज की दवा से ठीक करना चाहता था बेकाबू हो गई, इसीलिए आज मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। राधा का क्या होगा? वो भी मेरे साथ जाएगी, उसे अभी मेरे सहारे की जरूरत है। अरे पगली इसी फर्ज के सहारे तो मैं आज तक जिंदा हूं, वरना कब का पहुंच गया होता तेरे पास। तुमने ठीक ही कहा था कि कभी कभी बच्चों को मां बाप की नजर भी लग जाती है। आ गई इस घर को मेरी नजर, आ गई इस घर में अधिकार की पुजारण। जो घर का बनाने वाला वही छोड़ के घर को जाए, जो घर का बना जी। और राधा हरिद्वार चले गए और तुमने उनको रोका भी नहीं। हरिद्वार चले गए? हाँ, ये नहीं चिट्ठी। कम से कम आज के दिन तो उन्हें नहीं जाना चाहिए था, इतनी बड़ी पार्टी है। मगर उन्हें ये पार्टी पसंद नहीं थी। जी आपको शादी की पहली सालगिरह की मुबारकबाद देने और आपसे मेरी नौकरी लगने की मुबारकबाद लेने चलाया हूँ बिन बुलाए। ऐसे मौके पर तो बिन बुलाए ही चले आना चाहिए। मुझे कव्वाल की नौकरी मिल गई।
मुबारक हो तुम्हें शादी की पहली सालगिरह। मैं कहता हूँ यहाँ से निकल जाओ। राधा को मिले बगैर कैसे चला जाऊंगा? नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा। अब भी नहीं जाओगे? नहीं। पुलिस स्टेशन, मैं राजेश बोल रहा हूँ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, एक गुंडा हमारे घर में घुस आया है और बहुत उदम मचा रहा है। क्या नाम है उसका? लोकनाथ। तो क्या आप उसे जानते हैं? बहुत अच्छी तरह। तो फिर आप उसे गुंडा क्यों कहते हैं? आप भी कमाल की बात करते हैं, गुंडे को गुंडा ना कहूँ तो क्या कहूँ? अच्छा तो आप फोन होल्ड कीजिए, मैं पुलिस का इंतजाम करके आपको अभी बताता। हेलो, ये हेलो हेलो क्या कर रहे हो? तार तो टूटा हुआ है। टूटा हुआ है? राजेश, मुझसे डर कर छिप गए ना, तो लो मैं खुद ही चला जा रहा हूँ। राधा, मैंने कसम खाई थी कि तुम्हें देखे बगैर मैं इस घर से सीधे पैर नहीं जाऊंगा, इसीलिए मैं पैरों को सर पर रख कर जा रहा हूं। आप लोगों को हमारी वजह से काफी तकलीफ है। घबराने की कोई बात नहीं, बाहर में चोट काफी आई है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि कामिनी के होने वाले बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। डॉक्टर, सुना कामिनी? मैं तेरी कुछ नहीं सुनूंगा। राधा के घर पहली बार गए तो निकाले गए, दूसरी बार गए तो मार खा के आए, अब क्या जेल जाने गए राधा है? मगर मैं आपको साथ आने के लिए कहां कह रहा हूँ, मैं तो अकेला जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अकेला भी नहीं जाने दूंगा। मैंने तेरी माँ को मरते वक्त वचन दिया है, अरे अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं उसको क्या मुंह दिखाऊंगा। इसीलिए तो कहता हूँ कि मुझे राधा के साथ शादी करने दो, ताकि आप माता जी को अच्छी तरह से मुंह दिखा सको। दुर्घटे तू अरे कौन है? पंडित जी, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। अबे तो ढूंढ लिया। बताइए ना, मेरी लॉटरी कब निकलेगी? अबे सरकार को जब तेरा कर्जा वापस करना होगा। बताइए ना, सरकार को मेरा कर्जा कब वापस करना होगा? अबे उसके लिए तो फीस लगती है। फीस निकाल? मैं तो फीस नहीं दे सकता, मेरा पार्टनर तो लोकनाथ भी है। अबे लोकनाथ से तुम वसूल कर लेगी, तू अपना हिस्सा निकाल। मेरा शाहूकार भी लोकनाथ है। अबे तो मैं ही तो तेरा लोकनाथ हूँ। हाँ उस्ताद, ये क्या होलिया बना रखा है? अबे काम पर जाने वाले को टोका नहीं करते। अबे निकालिए मेरे लॉटरी के रुपए। अबे आज तक 2 साल से तेरे साथ लॉटरी निकालता हूँ, कभी फायदा निकला है? निकलेगा है? जरूर निकलेगा है? सूद के साथ पैसा भी निकलेगा। आपके साथ पैसा निकलेगा, ठीक है। छोड़िए ना भाई साहब, ले ले 10 रुपए, 10 महीने तक अपनी सूरत मत दिखाना। वास्ता नहीं दिखाऊंगा। अरे पंडित जी, जरा ये तो बताइए कि हमारे यहाँ लड़का होगा कि लड़की? क्या सवाल पूछा है आपने? पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके घर में आपके पिताजी को पहला बच्चा लड़का हुआ था या लड़की? लड़का। लड़का, और उनके पिताजी को? वो भी लड़का। लड़का, और उनके पिताजी को? लड़का। लड़का, और उनके पिताजी को? लड़का। आप ये बताइए कि आपके घर में आपके पिताजी को आपके बाद लड़का हुआ था या लड़की? लड़की। लड़की, लड़की जिंदा है? जी हाँ है। तो कहाँ है? पहले उसे बुलाइए, हम पहले उसका हाथ देखना चाहते हैं। जी वो तो पिताजी के साथ हरिद्वार गई हुई है। हरिद्वार? कब आएगी? कुछ पता नहीं। ये भी तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वो लोग वापस कब आएंगे? अरे वो तो जब आप बुलाना चाहेंगे आ जाएंगे, मगर हमें तो उनका पता ही मालूम नहीं। अरे पता हम निकालेंगे, हरिद्वार में पता निकालने कौन सी मुश्किल बात है। अच्छा तो अब हम चलते हैं। अरे पंडित जी, आपने बताया नहीं कि लड़का होगा कि लड़की? भैया हमारी ज्योतिषी की पुस्तिका के हिसाब से इसके बीच में एक आदमी लोकनाथ नाम का आदमी टकराता है। पहले हम उसको पकड़ लेंगे, फिर बताएंगे आपको कि आपके घर में लड़का होगा या लड़की। अरे पंडित जी, वो तो बहुत बुरा आदमी है, मेरे बहन से शादी करना चाहता है। शादी तो उसी के साथ होने वाली है। ये नामुमकिन है, अगर मुझे वो मिल जाए तो पुलिस के हवाले कर दो। अरे उमर योम, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में न लड़का होगा न लड़की होगी। बालक, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके घर में अवश्य लड़का होगा। और एक बात और भी हम जाते जाते बता देते हैं कि अगर आप आपकी बहन को यहाँ बुला लेंगे वापस में, तो आपके घर में एक साथ में दो 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 लड़के होंगे, मतलब जो जुड़वा होगा। आज आचा माता जी, हम जाते हैं, हमको हरिद्वार भी जाना है। Thank you.
पिताजी, इतनी देर कहाँ लगाती? मैं तो घबरा ही गई थी। आज मजदूरी बड़ी देर से मिली बेटा। मैं कहती हूँ, आपको मजदूरी करने की जरूरत ही क्या है? दुनिया में पेट भरने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। ऐसा ही है, तो कैसे मैं मजदूरी करूंगी बेटी? नहीं 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 बेटी, नहीं। बेटी की कमाई का टुकड़ा मुंह में जाने से पहले अच्छा हो भगवान मुझे इस दुनिया से उठा ले। पिताजी, आप कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? मान पड़ा कर ये मजदूरी क्यों करते? नौकरी तो मैंने कभी की नहीं बेटा, अब कैसे कर लो? और हाँ, मजदूरी कोई बुरी चीज थोड़ी है। दुनिया में सैकड़ों आदमी मजदूरी करके पेट पालते हैं। रही बाल बढ़ाने वाली बात, सो वो न करूं तो दुनिया राजेश पर उंगली उठाएगी, कहेगी इसका बाप मजदूरी करता है। लड़का हुआ है। लड़का? क्या मैं उसे देख सकता हूँ? जरूर, मगर थोड़ी देर के बाद। अच्छा। कामनी, मुन्ना 6 महीने का हो गया मगर पिताजी और राधा का कुछ पता नहीं कहाँ है। हरिद्वार गए होंगे। अच्छा, तुमने रात के पार्टी के लिए सामान तो मंगवा लिया है ना? सुरन गया हुआ है। अच्छा, तो मैं मुन्ने के लिए एक डॉल लेके आता हूँ। अच्छा, ओके। ये घर तुम छोड़ चुके हो, क्या तुम्हें इस घर में फिर कदम रखना चाहिए? मगर अब तुम इस घर में मालिक नहीं, मजदूर बनकर आए हो। अरे यहाँ क्या हो गया? चलो ना अंदर। चलो बाबा। भैया, ये बच्चा किसका है? हमारा मालिक का, मालूम है ना? चलो चलो। अच्छा, हम सब बोलते हैं मुन्ने का दूध का वक्त हो गया। अच्छा, तुम इधर बैठो, हम बना के लाते हैं दूध। मुन्ना, मुन्ने, देख देख देख, तेरे डैडी तेरे लिए क्या लेके आया, देख देख देख। ले ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। आजी आजी। रामू, जरा बात सुनना। हेलो बाबा, 1 रुपया 20 पैसे तुम्हारा मजदूरी। लो बेटा, लो, ये लो, ले लो, ले लो मेरे लाल, ले लो, ले लो ना। आज तुम्हारे बाबा के पास इतना ही है, ले लो, ये ले लो, ले लो। बच्चे की चोरी करने आया था। साहब, आप क्यों तक लिया था? हमको ठीक कर देगा। मजदूर के बाने सबसे खाया जो प्यार लुटाने आया उसे चोर बना। Thank you.
राधा। पिताजी। राधा, राधा, पिताजी, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, राधा, राधा, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, राधा, मुझे कोई दिखाई नहीं, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, यह संसार मिथ्या है, झूठा है, यहाँ धोखा ही धोखा है, मेरा इससे कोई नाता नहीं। मगर इस संसार को छोड़कर जाओगे कहाँ? हिमालय की चोटी पे। फायदा? वहां जाकर एकांत में राधा के नाम की माला जपूंगा। वो तो तुम यहाँ भी कर सकते हो। आप नहीं समझते भाई साहब, राधा के बगैर गोकुल में कन्हैया अकेला कैसे रह सकता है? रह सकता है। वो कैसे? वशीकरण मंत्र का जाप करके। वशीकरण मंत्र? हाँ, तुम आज से इस मंत्र का जाप शुरू कर दो और फिर देखो कि राधा दीवारों को तोड़कर, घर वालों को छोड़कर और दुनिया को ठुकरा कर तुम्हारे पीछे भागती हुई चली आएगी। तो फिर जल्दी बताइए भाई साहब, वो मंत्र क्या है? तो फिर याद करो, पैसा 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 पैसा। हाँ, यही वो मंत्र है जिसके सामने आज भगवान को भी झुकना पड़ता है। इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर दुनिया की हर चीज अपने आप आदमी के कदमों में आकर गिरने लगती है। मगर मैं तो सूट पे नोट लगाकर गया था, फिर भी राधा से मुलाकात नहीं हुई। इसलिए कि वो नोट नकली थे। असली नोट पैदा करो और फिर देखो, एक राधा तो क्या, दुनिया में जितनी राधा हैं तुम्हारे आगे पीछे चक्कर लगाती फिरेंगी। सच भाई साहब। हेलो, कौन? सुरंग साहब जी, गजब हो गया। एक राज का बात बताता है, आपका पिताजी और छोटा बेबी धर्मशाला में रहता है, मैं देखा आंख से। पिताजी, डॉक्टर ने कहा है कि आपकी आंखें जल्दी ठीक हो जाएंगी। मुझे अपनी आंखों से ज्यादा तेरी चिंता है बेटी, मैं तेरे हाथ भी पीले न करा सका। न जाने भगवान मुझसे कौन से पापों का बदला ले रहा है। मुझे माफ कर दीजिए राजेश बेटा, अनजाने में मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अनजाने की भूल को भूल नहीं कहा जाता बेटा। राजेश तुम अच्छे तो हो बेटा, अच्छे तो हो, मगर आपने कहा था कि आप हरिद्वार जा रहे हैं, फिर आप धर्मशाला में क्यों रहते हैं? इसलिए क्या आप लोगों को हमारे घर में रहना पसंद नहीं? ये बात नहीं बेटा। यही बात है, अपने ही घर में बेटे की बहू के हाथ से पिटकर कौन बाप दुनिया को मुंह दिखा सकता है? क्या कह रही हो राधा? ठीक कह रही हूँ, शादी की पहली सालगिरह दोबारा नहीं आ सकती, इसलिए स्वर्गवासी माँ की याद में हम दो आंसू भी नहीं बहा सकते। ये हुक्म था तुम्हारी धर्म पत्नी का, और जब पिताजी ने समझाने की कोशिश की तो इनाम में तमाचा मिला। राधा, मुझे कुछ मालूम नहीं रहा था। मगर अब तो मालूम हो गया ना, है हिम्मत पिताजी को घर वापस ले जाने की? मैं इसी समय तुम दोनों को घर वापस ले जाऊंगा, देखता हूँ कौन रुकता है। मगर हम ऐसे वापस नहीं जाएंगे जब तक भाभी यहाँ आकर पिताजी से माफी नहीं मांगेगी, हम उस घर में कदम तक नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं कहते बेटी, ऐसा नहीं कहते। क्यों नहीं कहते पिताजी? जब आप भाभी से माफी मांग सकते हैं तो क्या वो आपसे माफी नहीं मांग सकते? जरूर मांगेगी, मैं अभी जाकर काम निकलाता हूँ। तुमने अच्छा नहीं किया बेटी, अधिकार इतनी आसानी से फर्ज से माफी नहीं मांग सकता। नमस्ते लाला जी। कौन? मैं हूँ धर्मशाले के मैनेजर लाला जी। हाँ भाई। लाला जी माफ करना, अगर मैंने आपको एक दिन यहाँ और ठहरने दिया तो मुझे नौकरी पर से निकलना पड़ेगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना पड़ेगा मैनेजर साहब, आज हम खुद ही यहाँ से चले जाएंगे, मेरे भैया हमें लेने आ रहे हैं। मैं और माफी मांगू? सर तो नहीं फिर क्या तुम्हारा, वो लोग खुद घर छोड़ कर गए हैं, मैंने तो किसी को नहीं निकाला। पिताजी के मुंह पर तमाचा मारकर तुमने उनको इस काबिल नहीं कहा छोड़ा कि वो इस घर में रहकर किसी को मुंह दिखा सके। तो क्या राधा ने मुझ पर हाथ उठाकर मुझे इस काबिल छोड़ा था कि मैं इस घर में रहकर किसी को मुंह दिखा सकूं? जब मैं यहाँ रह सकती हूँ तो वो लोग क्यों नहीं रह सकते? काम नहीं, तुम ठीक कहती हो, मगर मेरी खातिर, मेरे प्यार की खातिर, अपने पति की खातिर एक बार पिताजी से माफी मांग लो।
ये नामुमकिन है। तो फिर मेरा भी इस घर में रहना नामुमकिन है। राजेश, राजेश तुम्हारा पति ही नहीं बल्कि किसी का बेटा और किसी का भाई भी है। अगर बाप और बहन का इतना ही ख्याल है तो यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ उनके पास, करो उनकी सेवा, रहो उनके साथ। बहुत अच्छा, मैं नहीं जानता था कि तुम अपनी जिद पर अपने पति को भी निछाड़ कर सकती हो। अदा के पास बहुत अकड़ कर आए थे, है हिम्मत कामनी से मुकाबला करने की? ये कौन बीच में बैठा है? कौन? सुरंग? कोई सुरंग उरंग नहीं, आंसू अलग है, रंग अलग। सुरंग तूने शराब पी है क्या? आप तो ऐसा पूछ रहे हैं जैसा हमारा ओनर है। पी पी, मेरा मूड तो नहीं था पीने पर, पी एक बहुत बड़ा प्राइवेट हो गया। अब किसी को न्याय बोलेंगे? बोलेंगे भी तो हमारा क्या बिगड़ेगा? हमारा मालिक ना है, हमारा बड़ा मालिक को घर से बाहर निकाल दिया, हमारा मालिक भी घर छोड़ के चला गया। हम मालिक को बोलना मांगता था, मालिक तुम कल कल ये घर छोड़ के जाता है, पर हमारा हिम्मत ना है हुआ। हम बोला घर तो कुछ और ना मांगता है, जो कल आई और आज मालकिन बन के बैठ गए। अब घर छोड़कर मत जाओ बोलना मांगता था, पर हमारा हिम्मत ना है हुआ। हम बोला दो नौटा पिएगा, फिर मालिक को पकड़ेगा ढूंढेगा। मालिक को ढूंढने के लिए निकला है, मालिक मिलता ही ना है। हमारा मालिक, अब एक बात याद रखो, हमारा मालिक आपको मिलेंगे ना, अब इधर बैठा है बोलो। मालिक तो मिला नहीं, दारू भी ज्यादा हो गई। कमाल है, मालिक तो मिला नहीं, दारू ज्यादा हो गई। कमाल है, ये अजीब चीज है दारू, पहले तो हिम्मत देती, बाद में उठा के फटक देती, अभी ना है पटका, मेरे को पटका ना। मुझसे पूछने वाली, मैं जो चाहूंगा सो करूंगा। तुम्हें घर में शराब पीकर नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? ये घर मेरा है और इस पर मेरा अधिकार है। जितना तुम्हारा अधिकार है उतना ही मेरा भी है। कामनी, हम दोनों बेवकूफ हैं। इस घर पर अपना अधिकार बता रहे हैं जो हमारा है ही नहीं। ये घर तो पिताजी का है, इस घर पर अधिकार जमाने के लिए हम दोनों को पिताजी से माफी मांगनी होगी। मांग आए ना तुम माफी, और मांगनी है तो फिर जाकर मांगो, मेरे लिए फालतू कामों के लिए वक्त नहीं है। तो फिर तुम्हें भी इसी वक्त ये घर छोड़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि घर के मालिक को घर से निकाल कर उसके घर पर कब्जा कर लेना डकैती है, डकैती। मुझे घर छोड़कर जाने के लिए कहने से पहले तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए, क्योंकि मुझे इस घर में लाने वाले तुम हो, सिर्फ तुम। मैं तो तुमसे शादी भी नहीं करना चाहता था, मगर तुमने मुझे मजबूर कर दिया। ये बात है,
तो फिर आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं, मुझे तलाक चाहिए। मेरा तुम्हारा भी कोई रिश्ता नहीं, मुझे भी तलाक चाहिए। तो फिर मैं अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। जा, बाहर जाने का रास्ता ये नहीं वो है वो। मैं अपने मुन्ने को अपने साथ लेकर जाऊंगी। तुम मुन्ने को नहीं ले जा सकती। क्यों नहीं ले जा सकती? मैं उसकी माँ हूँ, मुन्ने पर मेरा हक है। और मैं उसका बाप हूँ और मुन्ने पर मेरा हक है। मैं कानूनन मुन्ने को तुमसे ले सकती हूँ। तो जा, मांगो कानून से मुन्ने को, मेरे आगे हाथ क्यों जोड़ती हो? जा। राजेश, खोलो राजेश, मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगा। राजेश, तुमने मुझे गलत समझा है। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो मर्द का जुल्म सर झुका कर सहन कर लेती है। मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगी। जो दिल में आए सो करो, मगर यहाँ से निकल जाओ। भैया, भैया, तुम तो इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर गई थी। मगर अब मुझे हमेशा के लिए शायद यही रहना पड़ेगा। क्या मतलब? मेरा और राजेश का झगड़ा हो गया है। वो तो होना ही था। जो लड़की अपने भाई से झगड़ा कर सकती है वो किसी और को क्या समझेगी? भैया, ये ताने देने का वक्त नहीं। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। राजेश ने मुझे घर से निकालकर मुन्ने को जबरदस्ती अपने पास रख लिया है। मेरा मुन्ना किसी भी तरह मुझे दिला दो भैया। आ गई भाई किया, जब तुमने मेरा कहना नहीं माना तो फिर मैं क्यों तुम्हारी बात सुनूं? मैं जानती थी कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो भैया, मगर मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि तुम अपनी बहन को उसकी मुसीबत में ऐसा जवाब दोगे। जब बहन ने भाई को भाई नहीं समझा तो भाई तुम से अपनी बहन समझे। चले जाओ यहाँ से, किसी और का दरवाजा खटखटाओ। मैं चाहती हूँ नारी समाज की सभा फौरन बुला ली जाए। नारी समाज की सभा? और इस वक्त? हाँ हाँ, इसी वक्त। कुछ बात ही ऐसी है, मिलने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, सुहाने ख्वाब दिखाकर मुझसे शादी की और फिर अपने घर वालों की गुलामी करने पर मुझे मजबूर किया। मैं नहीं मानी तो शराब पीकर घर आया और मेरे बच्चे को मुझसे छीन कर मुझे घर से निकाल दिया। अब तुम क्या चाहती हो? मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती और चाहती हूँ कि मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दिया जाए, क्योंकि उस पर मेरा अधिकार है। अधिकार? अधिकार तो तुम्हारे पति का भी है। आप मेरे अधिकार दिलाने के लिए यहाँ आई हैं या मेरे पति के? मगर तुम एक चीज भूल गई हो कामनी, हमारी संस्था नारी के उन अधिकारों के लिए लड़ रही है जो मनुष्य ने फर्ज के नाम पर उससे छीन लिए हैं। हमारी संस्था ऐसे अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकती जिससे बसे बसाए घर उजड़ जाए। अगर तुम्हारा पति तुम्हें घर में रखने से इनकार करता है तो हम उससे लड़ सकते हैं। अगर तुम्हारा पति तुम पर अत्याचार करता है तो भी हम उससे लड़ सकते हैं। मुझे घर से निकालकर मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया, क्या ये अत्याचार नहीं है? है, मगर इसका फैसला तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम्हारे पति से एक बार बातचीत न कर ली जाए। दूसरों के अधिकार छीनकर हम अपने अधिकार नहीं ले सकते। अधिकार सबके बराबर हैं और नारी को बराबर के अधिकार दिए जाए, यही हमारी मांग। तो फिर मुझे नहीं चाहिए ऐसी संस्था जो मेरा बच्चा, जिस पर मेरा पूर्ण अधिकार है, मुझे न दिला सके। मैं अकेली ही अपने अधिकारों की रक्षा कर सकती हूँ। चलो सो जाओ। कैसे सो जाओ? मेरा मुन्ना मुझे बुला रहा है, किसी भी तरह मेरा मुन्ना मुझे दिला दो शीला। एक काम करो, तुम सुबह किसी वकील के पास जाओ, मुझे विश्वास है वो तुम्हारे मुन्ने को जरूर वापस दिला देगा। तुम ठीक कहती हो, मैं सुबह होते ही किसी वकील के पास जाऊंगी। Lulululuyai, ay, ay, ay,
रोना तेरा घड़ी घड़ी मुझे रुलाना दे सजा मेरे मेरे नजर बहुत सजा ना दे रोना तेरा घड़ी घड़ी मुझे रुलाना दे सजा मेरे मेरे नजर बहुत सजा ना दे कैसे मनाऊं तुझे मैं भी तन्हा तू भी तन्हा गम को हवा ना दे रोना तेरा घड़ी घड़ी मुझे रुलाना दे सजा मेरे मेरे नजर बहुत सजा ना दे रहते थे तुम्हें मालूम है कहां गए मुझे तो नहीं मालूम जब मैं सो कर उठा तो देखा कमरा खाली था हाँ लड़की रात को कह रही थी कि उसका भाई उसे ले जाने के लिए आने वाला है शायद वही आकर उन्हें ले गया हो शीला बहन तुमने अपने घर में आशा देखा हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है मेरी समझ में नहीं आता कि किन शब्दों में तुम्हें धन्यवाद जब इतना किया है शीला बहन तो फिर मुझे कहीं नौकरी भी दिला दो तुम्हें तलाक जरूर मिल जाएगा
तलाक से पहले मुझे मेरा मुन्ना चाहिए। वो भी मिल जाएगा। मगर कब? घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा काम जल्दी ही कर दूंगा। मगर मुझे मेरा मुन्ना आज ही चाहिए, उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। देखो आज तुम्हारी अर्जी तैयार होगी, फिर अदालत में दाखिल की जाएगी, उसके बाद जज साहब के सामने पेश होगी। देखिए मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं, अगर आप मेरा काम आज नहीं कर सकते तो मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं। नहीं बोले, तुमने इसका बच्चा छीन लिया, हम कुछ नहीं बोले, लेकिन ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम इसका बच्चा कहीं छुपा दो और ये उसे देख भी न सके। मैं सच कहता हूँ, मैंने मुन्ना नहीं छुपाया। तुम झूठ बोलते हो। नहीं मैं सच बोलता हूँ। तुम सच नहीं बोलते, तुम्हारा मतलब है कि मुन्ना खुद कहीं जाकर छुप गया। मेरा मतलब ये नहीं है। तुम्हारा ये मतलब नहीं है तो फिर बोलते क्यों नहीं हो, मुन्ना कहाँ है? मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं कि मैं निर्दोष हूँ? ये बात हम हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते, जब घर के अंदर कोई आया ही नहीं, नौकरों पर तुम्हें शक ही नहीं, मुन्ना कहीं जाकर छुप नहीं सकता, तो क्या आसमान से फरिश्ता उठाकर उसे ले गया? देखो मिस्टर राजेश, हम आज शाम तक का वक्त तुम्हें देते हैं, अगर शाम तक तुमने मुन्ना को वापस नहीं दिया तो हम तुम्हें घर से नहीं निकलने देंगे, घेराव डाल देंगे। मैं कामनी से जरा कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। मुझे कुछ बात नहीं करनी। नहीं कामनी, सुन लो ये क्या कहते हैं, जाओ। कहो क्या कहना चाहते हो। बैठ जाओ कामनी। कामनी मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने मुन्ने को नहीं छुपाया, और मैं ये भी नहीं जानता कि ये खत किसने लिखा है और मुन्ने को कौन ले गया। ये सब तुमने मुझे धोखा देने के लिए किया है। नहीं कामनी, मैं पिताजी और राधा की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने मुन्ने को नहीं छुपाया। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा मुन्ना चाहिए। जिद न करो कामनी, तुम्हें मालूम नहीं कि खत भेजने वाले ने इस बात की चेतावनी दी है कि हम ये किसी को बात न कहें। अगर तुमने पुलिस वालों को या हमारे समाज वालों को सब कुछ बता दिया तो हमारे मुन्ने की जान खतरे में पड़ जाएगी। क्या तुम चाहती हो कि हम दोनों के फूल से मुन्ने को कुछ हो जाए? नहीं, मगर मुझे मेरा मुन्ना चाहिए। मुझे भी तो मुन्ना चाहिए कामनी। हम दोनों के बेकार के झगड़े ने हमारे मुन्ने को हमसे अलग कर दिया। अब हम दोनों को साथ मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए कि कहीं से 50,000 रुपया इकट्ठा हो जाए और हमारे मुन्ना में मिल जाए। और फिर तुम मुझे घर से निकाल दो। नहीं कामनी, अब ऐसा कभी नहीं होगा। अपने घर में फूट पड़ते ही बाहर वालों ने फायदा उठा लिया। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कहीं से भी रुपयों का इंतजाम करूंगा, चाहे मुझे अपने आप को बेचना पड़े। ये बात तुम उन्हें जरा समझा दो। कामिनी क्या हो रहा? मुझे उस दिन की मुहलत दे दीजिए, मैंने कामिनी को सब कुछ समझा दिया है। मैं पूछती हूँ, जब तुम्हारा कोई कसूर ही नहीं तो तुम पुलिस को खबर क्यों नहीं कर देते? जरूरत पड़ने पर वो भी किया जाएगा। कामनी तुम्हें राजेश का प्रस्ताव मंजूर है? मुन्ने का 50,000 और वो भी सामान गिरवी रख के। राम राम राम, भले महाराज आजकल बाजार में पैसा है कहाँ, भाई 10-20 हजार की बात करो दे सकूं। 10-20 हजार से मेरा काम नहीं चलेगा सेठ जी, मुझे पूरे 50,000 चाहिए। 50,000 भाई ये नामुमकिन से। सेठ जी बोलो। अरे इस वक्त आप मेरी मदद कर देंगे तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा सेठ जी। देख भैया, तूने मेरा हाथ पकड़ कर मेरे दिल पे कब्जा कर लिया, तू ऐसा कर सामान गिरवी रखने की बजाय बेच दे। हाँ सेठ जी, मगर मगर क्या, मैं बुरा लगे तो मत बेचो, किसी और जाए कर्जा ले लो, यहाँ पे धर्म खाता खोला हुआ है, लो कर लो बात। कामनी स्टोर जेवर फर्नीचर सब कुछ बेचकर भी सिर्फ 40,000 रुपए इकट्ठा हुआ है, और बाकी के 10,000 उसका इंतजाम होना मुश्किल है। सब चीजों के बिकने के बाद कोई 1 रुपए का भी उधार देने को तैयार नहीं है। मैं देखता हूं। हेलो, जरा ठहरिए कामनी, तुम्हारा फोन। हेलो
तुमने मुझसे कुछ रुपए मांगे थे। हाँ हाँ, मुझे अफसोस है कि मैं इंतजाम ना कर सकी, मगर सुनो, एक नाच का मुकाबला होने वाला है जिसमें पूरे 15,000 रुपए का इनाम रखा है। तुम अगर उसमें हिस्सा लो तो मुझे उम्मीद है वो इनाम तुम्ही को मिलेगा। तुम कहो तो मैं तुम्हारा नाम दे दूँ। मैं तैयार हूँ। भगवान ने हमारे सुन लिए, कमला बहन का फोन था, बड़ा भारी डांस कॉम्पिटिशन हो रहा है, 15,000 रुपए का इनाम है, मैं नाचूंगी। तुम नाचोगी? इस घर की बहू रुपए के लिए स्टेज पर नाचेगी? ये पिताजी कभी पसंद नहीं करेंगे। इस घर की बहू नहीं, एक माँ की ममता नाचेगी, जरूर नाचेगी। Yeah।
नाचते नाचते तुम गिर कैसे गई? किस्मत में इनाम जो नहीं था, मुन्ने का ध्यान आते ही मेरे पैर लड़खड़ा उठे और मैं गिर पड़ी। भैया राधा तू, पिताजी कहाँ हैं? उनकी तबीयत बहुत खराब है भैया, इसीलिए उनके इलाज के लिए मैं तुमसे कुछ रुपए मांगने आई हूँ। मगर तुम लोग धर्मशाला छोड़कर कहाँ चले गए थे? गोरेगांव अपनी सहेली कविता के घर, उन्हें लेने नहीं आए और धर्मशाला के मैनेजर ने हमें निकाल दिया। चलो मैं जाकर पिताजी का भी ला करके। नहीं भैया, डॉक्टर ने तो उन्हें उठने बैठने को भी मना कर रखा। अच्छा तो तुम्हें कितने रुपए चाहिए? 1500 से काम चल जाएगा। मगर इस वक्त तो हमारे पास तुम्हें देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है, हमें खुद 10,000 रुपयों की जरूरत है। कामनी, जहाँ हम 10,000 रुपयों का इंतजाम करेंगे वहाँ 11,000 का भी कर लेंगे। 10,000 का इंतजाम तो होता नहीं, 11,000 का कर लेंगे। मगर कामनी, ये पिताजी की जिंदगी और मौत का सवाल है। और हमारी भी तो जिंदगी और मौत का सवाल है। तो तुम चाहती हो जिस तरह तुमने माँ को बेटे से जुदा करके उसकी जान ले ली, उसी तरह बेटे को बाप से अलग रख के उसकी जान भी ले लो? भगवान ने तुम्हारे बेटे को तुमसे जुदा कर दिया और फिर भी तुम नहीं समझी कि माँ बाप को बेटे के अलग होने से कितना दुख होता है, और अब तुम अपने बेटे को पाने के लिए मेरे ही हाथ मेरे बाप का खून करना चाहती हो। मगर मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। मैं अपने बाप की खातिर एक बेटा तो क्या 1,000 बेटे कुर्बान कर सकता हूँ। लाओ सूट की चाबी दो। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं। अब भी नहीं दूंगी, नहीं। अकेला नहीं जाऊंगा, तुम्हें भी मेरे साथ चलकर पिताजी और दादा से माफी मांगनी होगी। कभी नहीं। देख तुम कैसे नहीं जाओगी। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। जाओगी नहीं, 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 नहीं। डॉक्टर साहब, आज 4 दिन हुए पिताजी ने अनाज का दाना भी मुंह में नहीं डाला, बस खाट पे लेटे लेटे छत की तरफ देखते रहते हैं, कुछ पूछो तो हूँ हाँ करके चुप हो जाते हैं। आज तो उन्होंने मुझे भी नहीं पहचाना, जिससे मैं बहुत डर गई। वो ठीक हो जाएंगे ना डॉक्टर साहब? ठीक हो जाएंगे। राधा राधा, पिताजी को न जाने क्या हो गया, कुछ बोलते ही नहीं, बिल्कुल चुप है। पिताजी आप बोलते क्यों नहीं? पिताजी पिताजी क्या आप मुझसे नाराज हो गए? मैंने नौकरी छोड़ दी, मैं अब कभी नौकरी पे नहीं जाऊंगी, मुझे माफ कर दो। अब तो बोलो ना पिताजी, बोलो ना डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी बोलते क्यों नहीं, क्या हो गया इन्हें? तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे बेटी। ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरे पिताजी मुझे अकेला छोड़ के कभी नहीं जा सकते। तुझे पिताजी मैंने ठीक कहा ना, आप मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते ना। बोलो ना पिताजी, बोलो। पिताजी नहीं, पिताजी मैं आपने क्या किया, मुझे किसके सहारे अकेला छोड़ कर चले गए? पिताजी जा फर्ज पे उसने गवा,
मुझे माफ कर दो राजेश। राधा, ए राधा, टेप कौन आया है? भैया, भैया, पिताजी हमें छोड़ के चले गए भैया, वो मुझसे नाराज होकर चले गए। पिताजी के बिना मैं कैसे सारी जिंदगी भैया? ऐसा ना कहो राधा, तुम्हारा अपना घर है, तुम अपने भाई के पास रहोगी। मेरा घर, मेरा भाई, वही घर जहां से मैं ठोकर मारकर निकाल दिया था, वही भाई जिसने अपनी माँ को तड़पा तड़पा कर मार डाला। मुझे नहीं चाहिए ऐसा भाई, मुझे नहीं चाहिए ऐसा घर। चले जाओ यहाँ से, तुम दोनों खूनी हो, तुमने मेरे माँ बाप का खून किया है। चले जाओ यहाँ से। हाँ जी ना बहन, इन दोनों ने मिलकर पहले मेरी माँ की जान ली और मेरे पिताजी को मार डाला। मुझे नहीं चाहिए इसे भाई और भाभी। हमें माफ कर दो राधा, हमें अपने कर्म का फल मिल गया, हम दोनों बहुत शर्मिंदा हैं। और अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए हम लोग तुम्हें घर वापस ले जाने आए हैं। उस घर में मेरा रखा ही क्या है, जो था वो तो सब लूट गया। तुम्हें घर चलना ही होगा राधा, तुम्हें माँ और पिताजी की कसम। भैया, भैया, आज रात होते ही 50,000 रुपया चांदनी खंडहर में मट्टी के नीचे रख देना। रुपया मिलने के बाद तुम्हारा बच्चा तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा। अगर आज रात 9 बजे से पहले रुपया नहीं मिला तो बच्चा किसी और को बेच दिया जाएगा। अम्मे, ये क्या? राजेश, अब क्या होगा? अब क्या होगा? मुन्ना, मेरा मुन्ना। राधा, तू अपनी भाभी के पास बैठ, मैं भी आता हूँ। भैया, तुम मुझे बताती क्यों नहीं? मुन्नी को क्या हुआ? कहाँ है वो? कैसे बताऊँ राधा, वक्त आने पर तुझे सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। मुन्ना, मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम अगर मदद नहीं करोगे तो तुम्हारी बहन मर जाएगी। मेरी बहन तो उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन उसने तुमसे शादी की। छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा मत दो। तुम में से छोटी सी भूल कहते हो? इसी भूल की वजह से तुम्हारी माँ को तड़प तड़प कर जान देनी पड़ी। इसी भूल की वजह से तुम्हारे बाप को घर छोड़ के धर्मशाला में रहना पड़ा। इसी भूल की वजह से तुम्हारी बहन को दर दर की भीख मांगनी पड़ी और फिर भी तुम इसे छोटी सी भूल कहते हो। तुम दोनों को सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। मगर आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? दीवारों को भी कान होते हैं मिस्टर, और आज तो सारा शहर तुम दोनों की चर्चा कर रहा है। तुम दोनों तलाक लेने वाले थे, फिर तुम दोनों का मेल कैसे हुआ? हम दोनों की आंखों पर खुदगर्जी का पर्दा पड़ गया था। मैं अपने और कामनी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। मुझे तो इस माफी में भी खुदगर्जी की बू आ रही है। तुम अपने मतलब के लिए मुझसे माफी मांग रहे हो? ये बात नहीं है, बल्कि हमको अपने किए पे बहुत पछतावा है। तो फिर कामनी से कहो कि पहले मुझसे आकर माफी मांगे, फिर मैं सोचूंगा कि तुम लोगों के लिए मैं कुछ कर सकता हूं या नहीं। राधा, तू कहीं से 10,000 रुपयों का इंतजाम नहीं कर सकती? मैं किसे मांगू भाभी? मैं तो किसी को जानती भी नहीं। लोकनाथ से मांग कर देख, शायद वो हमारी मदद कर सके। मांगेगी ना? राधा, सचमुच में तुम राधा हो ना? मेरी राधा हो ना? मुझे यकीन नहीं आता राधा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा ना? लोकनाथ,
मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तब तो सचमुच में तुम मेरी राधा हो। आओ राधा, आओ आओ, बैठो 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 बैठो। नमस्ते। बैठो। अरे आप जमीन पे क्यों बैठ गए? तुम्हारे चरणों को छूकर ये जमीन पवित्र हो गई है। तुम्हें मेरी कसम है राधा, मुझे ऊपर बैठने पर मजबूर ना करना। बोलो क्या काम है लोकनाथ? मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। कितने रुपयों की जरूरत है? 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख? समझ गया, शायद तुम समझती होगी मैं मजाक कर रहा हूं ना, मगर राधा मैं सच कहता हूँ। सरकार ने जो पिछले जन्म में मुझसे कर्जा लिया था ना, वो वापस कर दिया है। मेरी लॉटरी की टिकट निकल आई है पूरे 5 लाख की। हाँ बोलो कितने रुपए चाहिए तुम्हें? मुझे तो सिर्फ 10,000 रुपए चाहिए। 10,000 तो क्या, हम 20,000 रुपए दे सकते हैं, मगर तुम्हारे भाई को हमसे माफी मांगनी होगी, उसने हमारी बड़ी बेइज्जती की थी। भाई साहब रुपये इन्हें चाहिए, इनके भाई को नहीं। ये मैं सब कुछ नहीं जानता, इसी की वजह से हमारी बेइज्जती हुई थी और अब इसी को हमारी इज्जत करवानी पड़ेगी। भाई साहब चलो, मैं भैया से माफी मांग लेती हूँ इस हालत में। और रास्ता भी क्या है, और फिर बड़ों से माफी मांगने में हर्ज क्या है? अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी भाभी, लोकनाथ ने हमारा काम कर दिया है। लोकनाथ ने काम कर दिया? हाँ भाभी, उसने रुपए भी दे दिए हैं। राधा, भाभी ये क्या कर रही हो? भाभी राधा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ राधा। जाओ चलो।
ये क्या कर रहे हो राजेश? तुम उसी पर हाथ उठा रहे हो जिसने तुम्हारा घर आज खुशियों से भर दिया। ये तुम नहीं जानते राजेश, इस घर को तबाह बर्बाद होने से बचाने में सुरंग का बहुत बड़ा हाथ, वरना आज तुम्हारा और कामनी का तलाक हो गया होता, तुम्हारी बहन को दर दर की भीख मांगनी पड़ती। तुम्हारे घर क्या हो रहा था इसकी सारी खबर मुझे सुरंग देता रहता था, और कामनी की हरकतें सुन सुनकर मुझे इसे नफरत हो गई, और तुम दोनों के तलाक के बारे में सुनकर मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। लेकिन सुरंग को यह तलाक पसंद न था, इसने पहले खुद फर्क का पाठ याद किया, फिर मेरे फर्क को जगाया, और हमने तुम दोनों को फर्क दिखाने की कसम खाई। मगर सुरंग तो अधिकार का पुजारी था, इसने फर्ज किनारे कैसे लगाए? जिस दिन इसे पता चला कि जिस मजदूर को इसने चोर समझकर मारा था वो इस घर का मालिक था, इसकी आत्मा चीख उठी, ये प्रायश्चित करने को तैयार हो गया। इसने शराबी बनकर राजेश को जोश दिलाया ताकि वो अपनी बहन और बाप को घर वापस लाए, लेकिन राजेश भी ताव में आकर कामनी से खुद भी तलाक मांग बैठा। इसके लिए भी सुरंग ने खुद को दोषी ठहराया, क्योंकि न ये जोश दिलाता न तलाक की न बताती, इसलिए इसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं ये तलाक न होने दो। तुम दोनों को तलाक से रोकने के लिए मैंने मुन्ने को तुम लोगों से अलग कर देना ही ठीक समझा। मुन्ने के बदले मैंने 50,000 रुपए इसलिए मांगे थे ताकि तुम्हारा घर उस धर्मशाला के कमरे से बदतर हो जाए जहां तुम्हारे बाप ने जिंदगी के आखिरी दिन काटे थे। मगर मुझे खुशी है इस घर में फिर से एक बार बड़ों के लिए इज्जत और सब के लिए मोहब्बत पैदा हो गई है। भैया मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरे ही कारण ये हरा भरा घर उजड़ गया, मेरे ही कारण तुम्हें इतना दुख उठाना पड़ा, अधिकार की आग ने हम सबको जला डाला, अब मैं कभी अधिकार का नाम नहीं लूंगी। नहीं पगली, हमारा अधिकार तो हमारी जिंदगी है, और हमारा सबसे बड़ा अधिकार है हमारा फर्ज। छोटा मेम साहब, जाना अनजाना में हमसे जो भूल हो गया है हम उसका माफी मांगता है। इस माफी के मौसम में आप लोग मेरे भी अगले पिछले जन्मों का कसूर माफ करना। माफी तो हमें आपसे मांगनी चाहिए लोकनाथ जी, आपका एहसान तो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। अब राधा का रिश्ता मंजूर करके बस एक एहसान और कर दो। रिश्ता मंजूर करने का हक बड़ों का होता है, और हम ये रिश्ता मंजूर करते हैं। बोलो कब करनी है शादी? पिताजी की बरसी के बाद। आज मुन्ने की दूसरी सालगिरह है, और आज ही राधा की शादी भी हो रही है। आपके आशीर्वाद से आज मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, और आइंदा भी पूरा करने का वचन देती हूँ।